अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज़िमको मोटरसाइकिल, जैसे कि आपको पता है, ज़िमको का KPR 200 बाइक जो सा है वो बहुत चलने वाला बाइक है। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी फेमस है वो बाइक अपनी स्पीड की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन इसमें के बारे में कुछ रूमर्स आ रहे थे कि इसमें कोई नया मॉडल आ रहा है, न्यू डिज़ाइन में आ रहा है, तो वो ज़िमको की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उस बात को डिक्लाइन कर दिया गया था, यानी ख़त्म कर दिया गया था कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। और इसकी प्राइस भी 375,000 बताई जा रही थी, जो कि जिसको भी ज़िमको ने ख़त्म कर दिया था कि नहीं, इस बाइक की प्राइस भी नहीं बढ़ाई जा रही, सेम प्राइस है इस बाइक की। लेकिन ज़िमको क्रूज़ जोन सा है वो, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी पसंद किया जाता है इस बाइक को, अब इस बाइक की भी एक किस्म की फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है। तो इस बाइक में कुछ जोन से हैं लोकल इम्पोर्टर्स, वो लिफान का ये तैयार करता बाइक है, तो लिफान का ही 200 सीसी यही KPR, लेकिन लिफान के नेम से वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, लिफान KPR 200, ये जो बाइक है ये भी पाकिस्तान में जोन सा है कुछ लोकल इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट कर तो इसको बाइक को सेल आउट कर रहे हैं। इसकी प्राइस जैसे कि आप ऊपर देख रहे थे, ऊपर लिखी हुई थी 375,000 रुपये इस बाइक की प्राइस है। और ये बाइक इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुका है। इसका आप फर्स्ट डिज़ाइन ये देख रहे हैं जो रेड एंड ब्लैक में है। इस बाइक में भी आपको जो सा है वो डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। इसके अलावा ये बाइक बिल्कुल सेम टू सेम ज़िमको KPR 200 है, क्योंकि ये लिफान कंपनी का तैयार करता है, वो भी लिफान कंपनी का है। लेकिन जब ज़िमको वाले इंपोर्ट करते हैं तो लिफान कंपनी अपने स्टैंप की जगह ज़िमको का स्टैंप लगा देती है। यहाँ पर लिफान का अपना स्टैंप लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये बाइक लिफान का ही है। तो इस बाइक और ज़िमको KPR में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम बाइक है। सिर्फ फ़र्क अब डिज़ाइन का है, क्योंकि ज़िमको KPR प्रीवियस डिज़ाइन में आ रहा है और ये बाइक न्यू डिज़ाइन में आ रहा है। इस बाइक में आपको जो सा है अच्छे जो सा है ग्राफिक्स और अच्छी शेप, बॉडी शेप जो स्टाइल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके फीचर्स में आपको फ्रंट पर वही DRL लाइट्स और इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो सा है वो देखने को मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस और जो सा है रोड पर इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इस बाइक में प्रोजेक्टर हेडलैम्प होने की वजह से इसकी रोड पर जो सा है वो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती है, जिससे रात को आपको बाइक चलाने में काफ़ी हेल्प होती है। इसके अलावा इस बाइक में जो एडिशनल फीचर्स हैं वो तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि इसके फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और इसके मीटर में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं उसमें स्पीडोमीटर, सेमी डिजिटल मीटर है इसका, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, क्लॉक और ट्रिप मीटर वगैरह की ऑप्शंस जो सी है वो मिल जाती है। इसके अलावा इसके मीटर की नाइट में बहुत ही खूबसूरत लुक, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो नज़र आती है। ये मीटर भी रात के वक्त काफ़ी अच्छा ग्लो करता है, जिससे आप अपनी स्पीड का अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इसका फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक इसका काफ़ी स्पोर्टी और अच्छा देखने में फ्यूल टैंक बनाया गया है। 14 लीटर्स इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। ओवरऑल शेप और बॉडी डायमेंशन की बात करें तो ये बाइक देखने में बहुत ही खूबसूरत बाइक है। पाकिस्तान में 200 सीसी कैटेगरी में नो डाउट ये एक खूबसूरत बाइक है। और अब ये जो इसका न्यू मॉडल या न्यू डिज़ाइन जो सा है, न्यू ग्राफिक्स के साथ, जिसकी फुल पिक्चर्स में आपको आगे जाकर दिखाऊंगा, जब आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई ये बाइक देखने में बहुत ही खूबसूरत अब लग रहा है। बाकी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात की जाए तो इस बाइक में 200 सीसी का इंजन आता है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 198 सीसी है। वाटर कूल इसका इंजन है, 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन इस बाइक में आता है। इसके अलावा अगर इसकी बोर की बात की जाए तो 65.5 जो है इसका बोर है, और स्ट्रोक की बात की जाए तो 58.8 mm इसका स्ट्रोक है। इस बाइक में आपको जो सा है वो बैक और मोनो शॉक की सपोर्ट मिलती है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये इस बाइक में न्यू जो सा है वो लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में इंपोर्टर्स की तरफ से, और ये इसका मोटो GP एडिशन का कलर है। वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन में ये बाइक जो सा है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं। बाकी मैं इसके आप ये पिक्चर्स देखें तब तक बाकी की जो सा इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको बताता चलूँ। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 11.0:1 है। इस बाइक की अगर हॉर्स पावर की बात की जाए तो 17 हॉर्स पावर ये 8000 RPM पर, और 17 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये 6500 RPM पर प्रोड्यूस करता है। फ्रंट और बैक दोनों पर इस बाइक में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। फ्रंट पर ड्यूल कैलिपर सिस्टम की डिस्क ब्रेक है और बैक पर सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है। इसके बाद आप ये इसका दूसरा कलर देख रहे हैं, जो कि ब्लैक एंड रेड कलर में है।
यह भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसके अलावा इस बाइक का जो ड्राइव वेट है वो 150 kg है। सीट हाइट की अगर इस बाइक की बात की जाए तो 775 mm इसकी सीट हाइट है। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 130 से लेकर 140 किलोमीटर पर आवर तक ये बाइक चलने की सलाहियत रखता है। और अभी जो सा आप इसमें कलर देखेंगे, ये थर्ड कलर है इस बाइक का जो कि ब्लैक कलर है। ये कलर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत कलर और बॉडी को एक अलग सी लुक देता है। इसके अलावा फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये बाइक 30-35 किलोमीटर्स पर लीटर फ्यूल एवरेज जो सा है आपको देने की सलाहियत रखता है। इसकी अगर 0 to 100 स्पीड की बात की जाए तो 8.24 सेकंड्स में ये आपको 0 to 100 तक ले जाने की सलाहियत रखता है। बाकी आप इस बाइक की जो ये पिक्चर्स हैं ये देख सकते हैं, और इसकी बॉडी शेप और पिक्चर्स के बारे में जो सा है और इसके कलर्स के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस बाइक की प्राइस जो सी है वो नॉर्मल प्राइस जो सी है बुकिंग प्राइस इस बाइक के 3,60,000 रुपये है, यानी बुकिंग पर ये बाइक आपको 3,60,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट ये बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो 3,75,000 रुपये में ये बाइक आपको पड़ेगा। तो इस बाइक में जो से आपको कलर्स हैं वो मैं एक बार फिर आपको दिखाता चलूँ। ये एक रेड कलर है इस बाइक में अवेलेबल जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा एक येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन है जो कि मोटो जीपी एडिशन है, जो ये बाइक इस कलर कॉम्बिनेशन में रेसेस में भी हिस्सा लेता रहा है, ये वो कलर कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा ये थर्ड ब्लैक कलर है जिस पर रेड कलर का हल्के से लाइंस वगैरह देकर ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन किए गए हैं। इन तीन कलर्स में से आपको कौन सा कलर पसंद आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस बाइक की शेप और डिज़ाइन के बारे में आपका क्या कहना है वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।